व्हाट्सअप गाइस, दिस इज चमाबो और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक हैंड रिटन नोट को एक एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक नोट है, इसमें मैंने ऊपर में इंग्लिश लिखा है एंड नीचे में हिंदी लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। मैं जो है इन दोनों लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है एंड फिर इसको एडिट करके भी आपको बताऊंगा। तो आप अगर अपने फोन से देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करना जो भी मैं करने वाला हूँ एंड आप अपने फोन से भी जो इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो के एंड में एक लाइक आप जरूर से कर देना, काफी मोटिवेशन देता है मुझे ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको जो है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका आपको एक स्कैन पीडीएफ या फिर आपको एक स्कैन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। तो मेरे पास जैसे एक प्रिंटर कम स्कैनर है, मैं बहुत ही आसानी से एक स्कैन डॉक्यूमेंट इसका क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास अगर नहीं है या फिर आप अपने फोन से देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने अपना लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया था कि कैसे आप एक स्कैन पीडीएफ बना सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वाला देख लेना, फिर आप जो है बहुत आसानी से एक स्कैन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसके बाद चले देख लेते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर की क्या क्या स्टेप्स हमें करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको ऑलरेडी एक स्कैन पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, आप भी जो है कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद चले मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो पीडीएफ है, ऊपर में मैंने इंग्लिश लिखा है एंड नीचे मैंने हिंदी लिखा है। तो आप भी जो है इसको एक स्कैन पीडीएफ में कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें जो है गूगल ड्राइव ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं सिंपली ऐसे गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल ड्राइव जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपली उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो राइट क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड फिर इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो सिंपली इसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड आपको इसे ओपन विद गूगल डॉक्स कर लेना है। तो जैसे आप इसको गूगल डॉक्स से ओपन करेंगे ये जो है टोटली कन्वर्ट होके आ जाएगा, अपने आप ही ये कन्वर्ट होगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इजी स्टेप है। तो चलिए इसको कन्वर्ट होने देते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कन्वर्ट होके आ चुका है। तो थोड़े बहुत एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑफकोर्स मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है तो थोड़े बहुत एरर्स रहेंगे, बट वो आप बहुत ही इजीली उनको अपने हिसाब से आप सही कर लेना एंड फिर उसको आप एमएस वर्ड पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर्स है, मैं इसको बहुत ही इजीली सही कर सकता हूँ। अदर एंड यहाँ पे शायद मैंने एक्साइटिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो है ये बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पे कुछ और पता नहीं क्या आ गया है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एंड इसके बाद नीचे आप हिंदी देख सकते हैं, हिंदी भी इसने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसने इसको कन्वर्ट किया है। हिंदी में भी आपको कुछ गलतियाँ यहाँ पे दिख सकती है, बिकॉज ऑफकोर्स आपके हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है कितना अच्छा है। तो अभी आप सोचोगे अगर हिंदी में गलतियाँ होंगी तो उसको मैं कैसे सही करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से हिंदी तो टाइप नहीं कर सकता। तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बहुत दिन पहले बना के रखा है, मैं उसका भी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप अपने कीबोर्ड से हिंदी लिख सकते हैं। गूगल इनपुट टूल्स का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको इंस्टॉल करना है एंड फिर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। फिर आप हिंदी को भी जो है या फिर कोई और लैंग्वेज आपको एडिट करना है वो भी आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेना, आप यहाँ से फाइल पे आ जाना एंड यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं ऐसे चूज कर लूंगा। तो मैं सिंपली इसको सेव फाइल कर दूंगा एंड ओके। तो ये जो है मेरे सिस्टम में एज अ डॉक्स फाइल सेव हो जाएगा, फिर मुझे कुछ भी एडिट करना होगा मैं बहुत ही आसानी से उसको एडिट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने जो है इसको एमएस वर्ड पे यहाँ पे ओपन कर लिया एंड यहाँ पे भी आप इसको बहुत ही आसानी से एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक बार फिर से हिंदी आपको एडिट करना है तो आप वो वाला वीडियो मेरा जरूर से देख लेना, आप हिंदी भी बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं। तो इतना ही था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को एक बार जरूर से चेक करना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, हो सके कोई वीडियो आपके काफी काम में आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।